Hello students, a very warm welcome from your master teacher Anubha ma'am's side. Hope you all are doing good और आप सबका बहुत स्वागत है in NCERT series of CBSE 10th class जिसमें हम chapter number 2 asset basis solves discuss कर रहे हैं और ये है session number 3 मतलब ma'am is expecting कि आपने session number 1 and 2 already देख लिया है. नहीं देखा है तो प्लीज इसके बाद देख लेना बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ पेज नंबर 28 ऑफ एनसीईआरटी. डिटेल से डिस्कस करेंगे और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे आफ्टर द चैप्टर दैट यू हैड स्टडीड अंडर आवर सीरीज उमंग 2.0. पूरा चैप्टर मैम ने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ो, सारे सेशन देखो, उसके बाद यहाँ पे रिवाइज भी करो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल चलते हैं. अगर आप वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बिकॉज दैट्स सुपर सुपर बेनिफिशियल, तो वेदांतु ने एक मैसेज पिन किया है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे जाओ और वो लिंक गिवन है उसको कॉपी करके डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड एजी प्रो बिकॉज दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम 20 to 43%. टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी. एंड अनुभा मैम को आप इंग्लिश चैनल ऑफ वेदांतु 9th-10th पे भी देख सकते हो बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स वर टेलिंग मैम हिंदी में समझ नहीं आ रहा. सो ऑन दैट चैनल मैम इज टीचिंग इन कंप्लीट इंग्लिश सो दैट यू वोंट फेस एनी लैंग्वेज बैरियर. ठीक है, तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करेंगे. यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी. पीएच इज गिवन हियर एंड दैट्स 6 and 8 एंड विच सॉल्यूशन हैज मोर hydrogen ion concentration which is acidic which is basic. I hope you remember that pH is inversely proportional to concentration of H positive or concentration of hydronium ion. When I'm using this bracket I totally mean I'm talking about concentration. कि अगर आपको pH chart याद हो जो सोरेनसन ने दिया था that has values from 0 to 14, middle value वो आती है 7, जिसका भी substance का pH है वो होता है neutral. ठीक है, उसको न्यूट्रल मतलब यहाँ पे एच आयन की कंसेंट्रेशन और ओ एच आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल होती है ताकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाए और आपका पीएच होता है 7. अब व्हेन आई एम टेलिंग कि एच आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है यानी कि मेरा सब्सटेंस में बहुत ज्यादा हाइड्रोनियम आयन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका पीएच होगा लो. यानी कि व्हेन यू मूव टू लेफ्ट साइड ऑफ योर पीएच चार्ट फ्रॉम 7 यू विल गेट एच आयन कॉन्सेंट्रेशन मोर एंड मोर. रीजन क्या है, यहाँ पे पीएच डिक्रीज करना शुरू हो जाता है मतलब अ सॉल्यूशन विद पीएच 6 इज डेफिनेटली एसिडिक इन नेचर. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है. और 7 के इधर की मैं बात करूं, अगर मैं बोल रही हूँ पीएच की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, आई मीन हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, दैट मीन्स पीएच ज्यादा होगा. तो अगर मैं इस साइड जाती हूँ मेरा पीएच इंक्रीज कर रहा है मतलब एच आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है. और हमेशा याद रखना अगर हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करती है तो ओ एच आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती है. ये दोनों पैरेलली लेकिन इनवर्स वे में चलते रहते हैं. ठीक है, तो यानी कि अगर पीएच मेरा 7 से ज्यादा है तो वो ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा कैरी कर रहा है मतलब दैट्स मोर एंड मोर बेसिक. मोर एंड मोर पीएच वैल्यू मोर एंड मोर बेसिक योर सब्सटेंस विल बी. तो 6 जिसका पीएच है वो एसिडिक है और 8 जिसका पीएच है वो बेसिक है. ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया. विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका पीएच कम है दैट्स डेफिनेटली सॉल्यूशन नंबर ए. गॉट इट? ओके, सो डिटेल सॉल्यूशन है, आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो. Question number 2, somewhat related to the same. What effect does the concentration of hydronium ion have on the nature of solution? मतलब इस पे हम क्या बताएं? कोई भी solution पे hydronium ion की concentration का क्या effect पड़ता है students? I think I've explained only more and more hydronium ions का मतलब है less and less pH होगा उस solution का, मतलब strong acid होता चला जाएगा. More and more concentration of hydrogen ions, that means less and less pH and strong acid it will be and vice versa. जितने कम hydrogen ions उसके पास होंगे उतना वो weak acid होगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो that will go to the basic side और वो basic property carry करना शुरू कर देगा. मतलब hydrogen ion की presence से I can tell about the nature of a given substance. All right students, याद रखना इस बात को कि acidity totally depend upon the number of hydrogen ions. Now एक और question है, do basic solution also have H positive ions, aqueous ions मतलब hydronium ions? If yes, then why are these basic? Very good question by NCERT.
तो देखो मैम इसको एक्सप्लेन करेगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ बेस NaOH. आपको अरेनियस थ्योरी याद होगी, अरेनियस ने कहा भी था एसिड विल ओनली शो एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर. द रीजन इज और सेम विद बेस, के बेस विल शो बेसिक प्रॉपर्टी ओनली इन वाटर, क्योंकि वाटर हेल्प करता है टू आयोनाइज दीज सब्सटेंसेस टू हैव हाइड्रोनियम आयंस और टू हैव हाइड्रोक्सिल आयंस. तो जब मैं बेस की बात करूं, अगर मैं वाटर में डालूंगी तो ही ये डिसोसिएट हो पाएगा एंड विल गिव अस आयंस. अब बात आती है जब भी आप बेस को डिसोसिएट करते हो, आपको पता है OH आयंस की वजह से द सब्सटेंस विल कैरी बेसिक एंड बेसिक बिहेवियर, बट क्या इसमें H आयंस भी है, हाइड्रोनियम आयंस भी है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं AQ लिख रही हूँ एक्वस मतलब वाटर भी है, और वाटर भी डिसोसिएट करता है टू गिव H आयंस एंड OH आयंस. ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयंस पॉसिबल है, H पॉजिटिव आयंस पॉसिबल है इवन इन अ बेस, बट फिर भी ये बेसिक क्यों है? क्योंकि ये देखो OH आयंस देने वाले वाटर भी है और बेस भी है, तो OH आयंस की ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विच इज वेरी माइनर ड्यू टू वाटर. तो अब समझ में आया दैट ड्यू टू दिस OH आयन दैट इज इन लार्ज अमाउंट द सब्सटेंस विल बी बेसिक ओनली, क्योंकि H आयंस बहुत बहुत कम है, और जो थोड़े बहुत होंगे भी वो थोड़े से OH के साथ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर भी OH आयंस है जो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्लियर है? नॉट लाइक कोई बड़ी बात थी, आपको अच्छे से समझ आ गया क्योंकि आपने सारा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है. एक और क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम दैट्स कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक दैट्स कैल्शियम कार्बोनेट? वो क्यों ट्रीट करेगा स्टूडेंट्स? ये जितने भी सब्सटेंस है दे आर कैरिंग बेसिक प्रॉपर्टी. ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड जनरली कैरीज बेसिक प्रॉपर्टी. आप जनरली जितने भी हम प्लांट्स क्रॉप्स लगाते हैं वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन में लगाते हैं, मतलब अराउंड 6.8 से 7 टू 7.2, 7.4, 7 के आसपास की वैल्यूज होती है. अगर उसको इन बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट करना पड़ रहा है, रीजन माइट बी कि जो उसकी सॉइल है, जो उसकी सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई होगी. ठीक है, टू मच एसिडिक, जिसमें प्लांट और जो क्रॉप से प्रॉपरली ग्रो ना कर पाए. तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्सेस ऑफ एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, ही पुट कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर, ताकि उसको बैलेंस करके रिक्वायर्ड पीएच ऑफ सॉइल मेंटेन कर सके टू ग्रो दी रिक्वायर्ड प्लांट्स एंड क्रॉप्स. बहुत ईजी है application of neutralization, that is. तो I think अच्छे से समझ आ गया होगा, बस इतना ही तो करना था. अब जल्दी से जाके वेदांतु 9th ने जो मैसेज दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है उस पर कॉपी करके अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लो और अपना टारगेट सेलेक्ट करके CBSE एंड अपना वैलिड सब्सक्रिप्शन चूज कर लो फ्रॉम द 3 मॉडल्स दैट वी हैव, 1, 3 and 6 months. कौन सा सबसे बेस्ट है? तीनों बेस्ट है, बट आई थिंक 3 months सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम फॉर यू. 6 months बहुत ज्यादा हो गया, 1 month इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक अ ट्रायल. तो 31% सेव कर सकते हो इफ यू अप्लाई AG मैम्स कोड, दैट्स AG प्रो, डू नॉट फॉरगेट दैट. एंड यू नो एवरीथिंग नाउ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज, कीप लाइकिंग शेयरिंग इट टू योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट. थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम.